आज के टॉपिक बाटे नेपाल केंगे खेली T20 वर्ल्ड कप। हे अवस्था में जाना बेरा ना बॉलिंग चलता ना बैटिंग चलता, और बॉलिंग तो थोड़ा बहुत चलतो बा तो बैटिंग तो बुझाता कि एगो लोग के कोइल भोरे पर आ गेल बाटे बैट्समैन लोग के। हालांकि आउट पॉप चलेला, लेकिन एक बेर हेतना बेतियाओ तरीका से खेली लो तो मजा ना आई। हमनी के जौन सलामी बल्लेबाज बालो, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, ये लोग के तंगा ध्यान देवे के पड़ल। T20 फॉर्मेट एगो ऐसा फॉर्मेट हो जौन की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर नहीं कुछ कर सकत तो पूरा भार जौन होला 100% भार चल लाला मिडल ऑर्डर पर। आ मिडल ऑर्डर भी हमनी के उहे बाटे जौन T20 ना उ बुझाला कि टेस्टे मैच खेलता लो ओंगे खेले लो। तो ये हिसाब से कैसे चली, ये हिसाब से बुझाता कि ये T20 वर्ल्ड कप खेले जाई लो आ देश के और नाम नीचे करके आई लो। एंगा खेली लो तो केंगा होई। ये लोग के जब हई हांगकांग, ओमान, सऊदी अरेबिया ऐसन ऐसन टीम के जब बॉलर सबके स्विंग समझ नहीं खे आवा जौन कि हल्का पल्का स्विंग बा, तो जौन हऊ इंटरनेशनल लेवल पर सालों साल से खेलता उकनी के बॉलिंग स्पीड, उकनी के बॉलिंग स्विंग केंगे खेले सकिलो ये लोग। तो जहाँ तक ले लागत है कि टीम नेपाल के ई अपन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लोग के और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज लोग के तंका स्विंग के बारे में जानकारी और तंका खेले के ढंग सिखावे के पड़ल। हेंगे खेली लो तो बेइज्जतियाओं के सिवा दूसर कुछ ना हो के सकी। आ रहल बात हम कुशल भुरतेल से इतने बात कहें कि एक बेर पहल के बॉल आ दूसर के बॉल आ पहल के बॉल में 30 रन बना देम को के ही ना होला। तंका धैर्यता भी राखल एगो चीज हवे। T20 हवे तो एकर मतलब का हम पहल के बॉल में 6 गो छक्का मार देम थोड़ी। T20 में पहलका ओवर में 0 रन हो के भी 20 ओवर में 200+ रन होला। तो जहाँ तक ले लागत अटे कि अगर तारा स्विंग समझ नहीं खे आवत, स्विंग नहीं खेले सकत, तू ओवर पूरा डॉट कर दो आ दोसर जौन नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन बा उ बैट्समैन के चांस दो, 2-4 गो ओवर खेल आ खेल के आ आगे पार्टनरशिप बिल्डअप करो आ तब तो तारा अपने लागी समझ आवे। तनका हल्का फुल्का पुरान बॉल हुई तो तारा अपने लागी बॉल अच्छा से लौ के तो बढ़िया से खेलब, बढ़िया स्कोर करब, टीम जीती। लेकिन हेंगे खेलब तो ना मजा आई हई, 0-0-0 एंगा मजा नहीं खे आवत। ठीक बा, T20 वर्ल्ड कप खेले जाए के बाटे, हेंगे खेलब लगन तो काम ना चली हो राजा। तो बढ़िया से अच्छा से तनका अभी टाइम बा हमने लगे तो तैयारी करो लगन आ देश के नाम ऊंचा करो लगन, बढ़िया से खेल लगन। ई ACC प्रीमियर कप जस्ट एगो तनी खतरा बुझा कि प्रिपेयर हो खेला एगो मौका रख हवे जौन तनी के सीखे खतरा एगो मौका रख जौन तनी के तो अभी फिलहाल गंवा दिल लगन। लेकिन आवे वाला समय में जौन भी क्रिकेट के दौरा सब बड़ा सन ओमे तनका ध्यान दे के खेल लगन आ T20 वर्ल्ड कप के तैयारी तनका जोर शोर से मेहनत करके कर लगन। अब वर्ल्ड कप में पहुंच गए बानी, जाएम खेल के हार जाएम तो ये बात ना भइल। तनी के संगे पूरा हमनी के 3 करोड़ जनता जुड़ल बाटे, तो ई चीज ध्यान में रख के खेले के पड़ल। तनी के संगे हमनी के देश के गौरव, देश के मान शान सब जुड़ल बाटे, तो ई चीज ध्यान में रख के तनी के खेले के पड़ल। आ रहल बात कि हमनी के बुझाता कि विकल्प तो खोजही के पड़ी, इहे टीम लेके T20 वर्ल्ड कप हमनी के खेले जाइले तो हमनी के हारला के सिवा दूसर कुछ नहीं खे। एमे कुछ प्लेयर ऐसा बा जौन प्लेयर के चेंज करे के पड़ी जहाँ तक लागत अटे। काहे तो रहल बात में एक और चीज़ हम देखनी है, हम पिछला वीडियो में डलर रही कि रोहित पौडेल के लीडरशिप बहुत बढ़िया होता, लेकिन कहूँ ना कहूँ बुझाता कि रोहित पौडेल भी हल्का फुल्का कहूँ कहूँ और बसा जाता रन। काहे कोनो कोनो मैच में कैप्टनशिप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लीडरशिप करलन
आ कोनो कोनो मैच में नर्वस हो जालन का दुने, कहाँ केकरा के बॉलिंग देव के बा, कहाँ केकरा के फील्डिंग कराएं तो ठीक रही, वहाँ उ सही करला, कहाँ केकरा से बैटिंग कराई, इ चीज़ हमरा बुझाला कि उनका समझ ना आवला, नर्वस हो जालन। तो यो चीज़ पर तनका उनका फोकस करे के पड़ल आ दिमाग पुगा के काम करे के पड़ल। रहल बात बाटे कि अब T20 के इतना नजदीक में हमने ये कैप्टन चेंज कैल तो ये उचित बात नहीं खे। अभी हालात चल रहा बाटे कि कैप्टन चेंज ये बढ़िया बात नहीं खे। ये उहे कैप्टन बाटे जौन बढ़िया करके हमारा T20 वर्ल्ड कप में पहुँचले बाटे। यो चीज़ ना भुलाए के पड़ल हमनी के, होला उतार चढ़ाव चलेला, मैच हार जीत होला, तो जेंगा हमनी के ये लोग के जीत के संग रह नहीं सोएंगे, ये लोग के हारों में रह के पड़ल। ये बात कहें कि जीत के संगे संगे हार में भी रही लगन आ अपना खिलाड़ी से प्यार करम लगन, तो खिलाड़ी परफॉर्मेंस बढ़िया करके दी। अब अपने लगन का बाटे कि अब लागम लगन फलना पलर के विरोध, चिलना पलर के विरोध, तेगा विरोध करम लगन तो पलर नर्वस होल सन। का तो पलर भी इंसान हवे, वो कोनो रोबोट ना आवे कि ओकरा में फीलिंग नहीं खे। वो भी सब देखेला, वीडियो फोटो पोस्ट वो भी सब देखेला, तो वो सब के अपन अंदर के जौन फीलिंग होला ओकरा तंका खराब लागेला, तो उसे ओकनी के परफॉर्मेंस पे भी इथी पड़ला, असर पड़ला। हम हाल ही में एगो वीडियो देखले रही रोहित शर्मा के, तो रोहित शर्मा से एगो रिपोर्टर पूछले रहे कि एयरपोर्ट पर तनि हेडफोन लगा के का चल लगन, तो रोहित शर्मा कहते जवाब दिल रहन उमे कि एयरफोन पर हमनी के हेडफोन लगा के काहे चले नहीं सन। सबसे बड़का रीजन बाटे कि एयरपोर्ट पर जब हमने पहुँचेम सन तो इतना ज्यादा वहाँ समर्थक सब रहला, कोनो कही कि ऑफ साइड के बॉल मत मरिय, कोनो कही कि बाउंस वाला बॉल मत मरिय, कोनो कही कि सामने वाला बॉल मत मरिय, तो ये सब चीज़ हमने के दिमाग में ढूकी, तो हमने के माइंड डाइवर्ट हुई, हमने खेले में का होला कि असंतुष्टि हुई, ना खेले सकम से बढ़िया से, वही से हमने के एयरपोर्ट पर रह नहीं सन, तो हमने के हेडफोन यूज कर नहीं सन ताकि बाहर की आवाज़ हमने के ना सुने सके सन। तो वही से हमने के अगर कोनो चीज़ अगर सोशल मीडिया पर भी बोलता नहीं सन तो विरोध करता नहीं सन हमने के कोनो खिलाड़ी के, तो वो खिलाड़ी ये सब चीज़ सुनी तो ओकरा बहुते खराब लगे, ओकर माइंड डाइवर्ट हो या ओकर परफॉर्मेंस बिगड़ जाए। तो वही से अपन लग सबके उसे रिक्वेस्ट बा कि अपन लग जेंगे जीत में साथ रहे नहीं होंगे, हारों में साथ रहे के पड़ल आ सपोर्ट करते रही लगन। एक दिन हमनी के जरूर जीतल जाए आ T20 वर्ल्ड कप में हमनी के बढ़िया परफॉर्मेंस करे के बाटे आ जीते के बाटे। जय नेपाल, जय श्री राम।